हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी ब्लॉगर रिंगलजैन। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में आफ्टरनून कल से स्टार्ट कर रही हूँ, आफ्टरनून का टाइम हो रहा है और यहाँ पर मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। भाभी के कमरे का पोंछा वगैरह मैंने लगा दिया है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर जो बाहर का एरिया है वहाँ पर पोंछा लगा दूँगी ताकि जो बाहर का आंगन है वो साफ़ रहे। गंदा मुझे वैसे भी पसंद नहीं आता। वैसे भाभी होती तो भाभी कर देती, मैं होती तो मैं कर देती हूँ। कुछ भी है, कोई भी कर लेता है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर अपना जो ट्राईपॉड है वो सही कर रही हूँ, क्योंकि ट्राईपॉड बार बार मुझको ही सही करना पड़ता है, क्योंकि अकेले वीडियो बनाना और काम करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। टाइम भी बहुत लगता है, एकदम से होता भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं धो धो कर पोंछा लगा लूँगी, और धो धो कर लगा तो क्लीन वगैरह भी लगता है। वैसे मुझे ऐसे पोंछा लगाने से पेट मेरा काफ़ी कम हो गया है, तो इसी कारण मैं वही कर रही हूँ। आप लोग बोलते हो ना पेट कैसे कम हो गया, तो पोंछा लगा लगा के मेरा पेट कम हो गया। आप भी पोंछा लगाओ, जितना बड़ा घर होगा जितना ज़्यादा पोंछा लगाओगे ना उतने ज़्यादा तो पेट कम होता है। मेरा तो इसी से हुआ है। मैंने वाव का एप्पल साइडर विनीगर मंगाया है, बट मैंने उसको बहुत ही कम पिया हुआ है, ज़्यादा पिया ही नहीं है। तो बस ऐसी पोंछा लगा लगा के मेरा कम हो गया है। और भाभी गांव में रह रही है, तो भाभी ज़्यादातर गांव चली जाती हैं, तो फिर पोंछा मुझे ही लगाना पड़ता है, उससे मेरा पेट कम हो गया है और भाभी का तो ऑलरेडी कम है ही है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी, देखिए आप लोग वीडियो देखते हो पर वीडियो को लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करा करिए, मुझे मोटिवेशन मिलती है। देखिए आप लोग जब मेरे साथ नहीं दोगे तो फिर मैं अकेली पड़ जाऊँगी, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करा करिए। और यहाँ पर मैं जो मैं लेके आई थी, इवनिंग का टाइम हो रहा है, मैं पड़ाके लेके आई थी, तो हम लोग पड़ाके खा रहे हैं। मतलब काफ़ी जगह पानी पूरी, काफ़ी जगह गोलगप्पे, पड़ाके, बहुत सारे नाम हैं इनके, बहुत सारे बोले जाते हैं। स्ट्रीट फूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है खाने में, बहुत ज़्यादा यमी लगता है, कभी कभी खाना भी चाहिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग खाते हो कि नहीं खाते हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, दुआ करिए, क्योंकि बच्चों से बड़ी दुनिया नहीं है, बच्चों के बिना दुनिया नहीं है। और बच्चों के साथ अगर प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ उनकी मदद करिए। और यहाँ पर हम लोग गोलगप्पे खा रहे हो, दीव गहरी मैं खाऊंगी सारे, तुम मत खाओ मैं सारे खाऊंगी। और यहाँ पर हम टीवी भी देखते जा रहे हैं और गोलगप्पे भी इंजॉय करते जा रहे हैं। और बहन आ गई ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है वीडियो वगैरह शूट करने का, टाइम ही नहीं मिलता है कुछ भी, तो इसी वजह से मैं वीडियो कभी शूट कर पा रही हूँ और थोड़ा थोड़ा ही शूट कर रही हूँ। हम लोग ऐसे इन्जॉय करते हैं, ऐसे इन्जॉय करते हैं, तो वही इन्जॉय कर रहे हैं। और कल मुझे जाना है ससुराल, तो आपको दिखाऊँगी, ससुराल नहीं, ससुराल से थोड़ा सा काम है मंदिर का, तो वहीं जाना है। तो कल की वीडियो शायद बहुत ही अच्छी आने वाली है, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। आप लोगों से कुछ बात करनी है तो प्लीज़ आप लोग मेरी पूरी वीडियो वॉच करा कर, नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करिए, लाइक भी करा करिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी ब्लॉगर रिंगलजैन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ मैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और मैंने कल से कोई भी वीडियो शूट नहीं करी थी, एक्चुअली मैं ना ये तो मन नहीं करा था। और अभी रात के हो रहे हैं, 8 बज चुके हैं, गुड्डन वाला नाटक आ रहा है, सो 8 बज चुके हैं। और मैं बर्तन साफ करने वाली थी, खाना वाना सारा मेरा हो चुका है। और इसने मतलब मेरी बहन ने मेरी बहन ने यहाँ पर करे थे, अभी क्या कर रहे थे, कपड़े तय बना लिए थे। तो और मैं और यहाँ पर दीव गई है ट्यूशन, और दीव के टेस्ट वगैरह चल रहे हैं स्कूल में, तो इसी के लिए। तो यहाँ पर मेरी बहन ने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, सिर्फ बर्तन साफ करना रह गया। और भाभी और जो यहाँ पर दादी रहती थी रेंट पे, वो दोनों ही यहाँ से चली गई है, मतलब कि गई है, कहाँ गई है, हाँ गाँव गई है, क्योंकि उनके दोनों ही बच्चों को ना खसरा निकल आया था। एक्चुअली में उनकी नंद के लड़के को निकल रहा था, माता निकलती है ना, वो निकल रहा था। तो क्या होता है ना कि बोला जाता है, बड़े बूढ़े बोलते हैं ना, वो सही बोलते हैं, कहते हैं ना एक को उतरता फिर एक को चढ़ता, फिर एक को उतरता एक को चढ़ता है। तो फिर मकान मालिक ने बोला दीयू को दूर रखना इन दोनों बच्चों से। और भाभी ने भी कल शाम को ही बोल दिया था कि अभी दीयू कमरे में ना आए हमारे, क्योंकि अभी वो बच्चा है वो जानती नहीं है, लेकिन वो बता भी नहीं पाएगी अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट उनके बच्चों को भी जब ये कसरा माता निकली तो वो भी नहीं बता पाई, मतलब वो भी नहीं बता पाई, मैं भी नहीं बता, वो मतलब उनके बच्चे भी नहीं बता पाए थे। उनके बच्चे तो खेलने चले गए, अब तो जब उनके ज़्यादा बढ़ गई हैं
पेट पर, मतलब गर्दन पर, माथे पर, सर में, और बहुत ही इंटरनल पार्ट में भी हो गई है। जैसे टॉयलेट करने आते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी जगह ऐसी जगह हो गई है, तो ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होने लगी है। तब भाभी तो शादी में चली गई थी परसों, तो आप लोगों ने देखा ही, तो मैंने काम वगैरह करा था, भाभी शादी में चली गई थी, फिर भाभी तो थी नहीं तो मैंने काम वगैरह करा, तो फिर वो मेरे से अपनी सारी बात शेयर कर लेते हैं उनके बच्चे। तो इवनिंग में उनका बड़ा लड़का बोला था कि आंटी देखना मेरे को कोई प्रॉब्लम हो गई है, मेरा फीवर नहीं जा रहा है। मैंने उसको दवा भी दे दी थी दोपहर में, दवा ले लो, लेकिन फिर वो दवा उसने खा ली, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि उसको है ना ये चिकन पॉक्स निकल आया है या फिर क्या है, मुझे नहीं पता था। लेकिन उसके बाद फिर वो मुझसे से बोला कि आंटी देखना मेरा पेट देखो, तो मैंने जब उसका पेट चेक करा तो उसको पूरे पेट पर माता थी, तो मैंने कहा तेरे को तो माता है खस रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन तुझे कुछ प्रॉब्लम तो है। फिर उसका छोटा वाला लड़का आया, उसका छोटा वाला भाई आया, उसने बोला कि देखो मेरे को क्या हो गया है, मुझे बुखार आ रहा है, तो मैंने दिखा, तो मैंने उसको देखा तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी उसको, तो बहुत ही ज़्यादा थी, वो तो खेलने चला गया था। छोटे बच्चे हैं ना, खेलने के आगे कुछ सोचते ही नहीं है, तो उसको पता ही नहीं था कि मुझे हो क्या रहा है। वो चला गया खेलने के लिए, और उसके बाद जब आया तो मुझे बताया, तो मैंने फिर शाम के टाइम, भाभी आई थी ऐसे ही आई थी, शाम रात सी होने वाली तभी आई थी, मैंने भाभी से कहा भाभी तुम्हारे दोनों बच्चों को तो खसरा है या माता निकल रही है, और आप नीम के पत्ते, जब माता या खसरा निकलती है नीम के पत्ते लगा दिए जाते हैं, वो झाड़ा टाइप होता है वो लगवाया जाता है बच्चों पर, ताकि किसी और के ना फैले और इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि तो पता है इन चीज़ों में खुजली बहुत होती है, तो हमें नमक, ज़्यादा नमक की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा चटपटी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो फिर मकान मालिक बाबा है, फिर उन्होंने बोला कि ये जो शाम ऐसा करो, आप इसको एक बार ब्लॉक में दिखाया हो, तो इसके टीके वगैरह भी लगते, वैक्सीन होती है। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर भाभी ने कहा पहले इनको ठीक हो जाने दो, क्योंकि इसमें हवा नहीं लगने दे रहे बच्चों को। तो भैया भी काफ़ी गुस्सा हो रहे थे, शादी में जाना ज़रूरी था तुम लोगों का, और बच्चे बीमार हैं। लेकिन एक बात बताइए, भाभी की उसमें क्या गलती थी? भाभी को तो पता नहीं था कि इन बच्चों को ये खसरा वगैरह निकल रहा है, भाभी को अगर पता होती तो वो नहीं जाती ना, तो भाभी को गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उन पर मतलब हो जाता है ना। तो चलिए मैं आज की वीडियो यहीं से कंटिन्यू करती हूँ, देखती हूँ क्या शूट करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, करती हूँ कुछ भी। अभी टीवी वगैरह देख रहे थे, और मुझे सबसे अच्छा लगता है बैरिस्टर बाबू नाटक, आप लोग बताइएगा उसमें मुझे पता क्या अच्छा लगता है, लड़कियों के खिलाफ जो गलत चीज़ें हो रही है ना, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, और अगर न्यू आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कौन करेगा, सब्सक्राइब भी कर देना जल्दी जल्दी से। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से मॉर्निंग में, मिलती हूँ या फिर अभी दीयू आया था तब मिलती हूँ, बर्तन वर्तन साफ करने के बाद। और कमेंट कर रहा करो, अच्छे लगते हैं आप लोगों के कमेंट, प्यारे प्यारे कमेंट, मुझे रिप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के प्यारे से कमेंट का। और टीवी लग गई तो दीयू ना फ़ोन वगैरह हम नहीं यूज़ करती है, थोड़ा बहुत कार्टून वगैरह देख लेती है, फिर अपने जो नाटक वगैरह होते हैं वो देख लेती है, कभी मन लगा रहता है। चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, अपना ध्यान रखिएगा। हे गाइस, कैसे हो? अब आ गया है टाइम किसका बाय बाय कहने का। मैंने सोचा कि ब्लॉग में आप लोगों से, ये देखिए मेरा फोन। तो अभी मैं बात कर ले रही हूँ मौसी से, फिर आप आना ठीक है, आप तो वीडियो में आती हो ना वैसे भी। अभी अभी और देखो इसने लिपस्टिक, ये जो मेरी लिपस्टिक है ना वो देखिए कैसे लगाई है, ऐसी होगी मैं लगा रही थी तो इसने भी पूरे में लगा दी। आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाह रही हूँ लिपस्टिक के कलेक्शन में अपने एसक्यू लिपस्टिक के, तो वो मैंने वीडियो बना ली है और देखिए मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। और आप लोग बार में जब भी मेकअप ट्यूटोरियल, अभी अभी बैठ जाना, जब भी मैं मेकअप ट्यूटोरियल दी अभी रुक जाओ। हाय गाइस, तो यहीं से किया दो ना, परेशान नहीं करो। तो आप लोगों को पता जब भी मैं मेकअप ट्यूटोरियल करती हूँ या मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, तो अलग वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब सब्सक्राइब गुड कर मम्मा, थोड़ा बात कर लो ना, आयो गुड कर बन जाओ है ना। तो आप लोग कहते हो ना कि दी आप मेरा शेयर करना कौन सा लिपस्टिक यूज करती हूँ, मैं अपने सारे ही एसक्यू लिपस्टिक के कलेक्शन शेयर कर दूंगी, ज्यादा नहीं है मेरे पास, मैंने ज्यादा आप लोग बता ज्यादा क्या करेंगे बाय करके, तो ज़्यादा तो नहीं है, बट जितने भी मैं शेयर कर दूँगी, चार या पांच ही हैं, तो मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ।
और आप लोग कह रहे थे ना मेरे बालों में मैंने क्या करा है, तो मैंने बालों में यूज करा है वाव का ऑनियन हेयर ऑयल। देन उसके बाद मैंने यूज करा है, देन उसके बाद मैंने यूज करा था उसका शैम्पू एंड कंडीशन शैम्पू, और मुझे लगाना है हेयर पैक, और हेयर पैक मैंने लगाया था। हाँ हेयर पैक लगाया था, लगाना नहीं है, लगाया था, और पहले भी मैं आपके साथ शायद शेयर कर चुकी हूँ शायद, और नहीं करा है तो वीडियो आ जाएगी, अभी मैंने शायद एडिट नहीं करी होगी इसी कारण नहीं डली है, नहीं तो मैं डाल देती आप लोगों से। मैं हर वो चीज़ शेयर करती हूँ जो मैं अपने लिए यूज़ कर रही हूँ और जो मुझे पसंद आती है वही मैं शेयर करती हूँ, जो मुझे पसंद आती वही मैं शेयर करती हूँ। ये नहीं है कि मुझे जो चीज़ पसंद है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। वाकई में वाव के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। एसक्यू की लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है, मेरी मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक है ये वाली, और इसका शेड नंबर आई डोंट नो, लिंक में जब भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी रिव्यू तो उसका लिंक मैं डाल दूंगी, आप लोग खुद से जाकर देख लेना। शायद पर्पल पे भी सेल भी चल रही है, क्योंकि मैंने ना अपने लिए भी एक लिपस्टिक मुझे मंगानी थी जो अलग एक अच्छा सा कलर मुझे पसंद आ रहा था तो वो मुझे मंगानी थी, तो अभी नहीं मंगाई है मैंने। तो ऐसा शायद मैंने देखी थी तो दो लिपस्टिक खरीदने पर एक लिपस्टिक फ्री है, तो आप लोग जाके बाय कर सकते हैं। जो मैंने इस वीडियो से पहले वीडियो डाली है ना मेकअप की, उसमें मैंने लिंक दिए हुए हैं, जो जो प्रोडक्ट मैंने एसक्यू के यूज़ करे हैं उन सब के लिंक दिए हुए हैं, तो आप जाकर वहाँ से बाय कर सकते हैं। देन एक और चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, कल की वीडियो पे आप लोगों ने मुझे इतना प्यार करा ना, सच में गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरी फैमिली से बढ़कर हो, मुझे इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो, जिसके लिए मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ। अच्छा बाल अच्छे लग रहे हैं ना, कमेंट करके बताइएगा, मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये देखिए कितने शाइन है ना बालों में। तो मैं वाव के प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, सच में गाइस वाव के यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। जो जो मैं यूज़ करती हूँ उसके लिंक मैं आपको दे देती हूँ, आप जाकर अगर पसंद आते हैं तो ख़रीद लो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि खरीदो, और बहुत अच्छे हैं सच में, बहुत अच्छे लग रहे हैं बाल। और मैं दिखा दूंगी कि मैं अपना हेयर ट्रीटमेंट, फुल हेयर ट्रीटमेंट मैंने अभी तक आप लोगों से शेयर नहीं करा, फुल जैसे फुल बोलते हैं ना, ऑयलिंग, शैम्पू, कंडीशनर, हेयर मास्क और ये सारी चीज़ें जो एकदम पूरी होती है ना, वो मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं करी है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी ना, तो आप लोग जाकर फिर बाय कर लेना, पूरी किट ही बाय कर लेना, बहुत ही प्यारी किट है। और आपके कम से कम ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो 4 से 6 महीने चल जाते हैं, तो आप लोगों का पैसा वसूल हो जाता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी मैं थम्स अप दूंगी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। तो बस मैं मुद्दे पर आती हूँ कि कल की वीडियो पे मैंने आप लोगों का प्यार देख लिया कि आप लोगों ने इतना प्यार करा था, और किसी ने मेरे से बोला है कि मेरी 8,000 रुपये की गैस खरीदने की औकात नहीं है, और मेरे पास तो किचन भी नहीं है, मेरी औकात ही नहीं है 8,500 रुपये की गैस खरीदने की, 4 बर्नर वाली सन फ्लेम की, शायद सन फ्लेम की बता रही थी। कोई बात नहीं है डियर, मेरी औकात नहीं है, कोई बात नहीं है, कल हो जाएगी तो कल ले लेंगे, पर 4 बर्नर वाली लेकर क्या करेंगे। तो फिर उसने भी ऐसे लगा लिया था, तो बस यही मैं बोल रही थी, मेरी 8,500 रुपये की गैस लेने की औकात नहीं है, और चलिए कल जब औकात हो जाएगी तब ले लेंगे। बट मैं ये सोच रही थी मैं लेकर क्या करूंगी, 3 जनों के लिए इतनी बड़ी गैस लेना, कुछ डेली मॉर्निंग में न्यू डालती हूँ ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ न्यू मिले, तो प्लीज देख लिया करिए, देखा करिए उस वीडियो को, शेयर करा करिए, 2 मिनट की वीडियो है तो पूरी देख लिया करो। आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हो, मेरी व्लॉग भी बहुत लोग हैं जो आधे ही देख कर छोड़ देते हैं, तो पता उससे मेरी हेल्प नहीं हो पा रही है, उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मेरे डॉलर भी नहीं बन पा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ व्लॉग को पूरा वॉच करा करिए। आई नो आप लोग बोलोगे कुछ खास नहीं है, बट जो भी है सिंपल सा है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्या करूँ, लाइफ में जो होगा वही तो शेयर करूँगी ना। और जो मॉर्निंग में वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू वगैरह शेयर करती हूँ वो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया करिए, और उसको पूरा देखा करिए, 2 मिनट की वीडियो होती है ना तो मुझे भी खुशी मिलेगी, मैं फिर जो भी कुछ न्यू लेके आया करूँगी सब शेयर किया करूँगी आप लोगों के साथ, और मैं 2 मिनट की इसलिए रखी है ताकि आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो देखने में। चलिए वीडियो में यही एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ सब लोगों को सोने का टाइम, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय, टेक केयर, बाय।